आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सार्विका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। बता दें कि पुलिस ने वांछित अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक ओमवीर के आदेश के क्रम में जनपद गाजीपुर में अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इसके तहत धारा 302 में वांछित चल रहे अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही पुलिस ने अभियुक्त की निशानदेही पर चाकू भी बरामद किया है और दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया है। 28/29 तारीख की रात में बड़ीपुर थाना मोहम्मदाबाद क्षेत्र से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें दो नागरिकों की चाकू मार के हत्या कर दी गई थी। इस पूरे प्रकरण में तत्काल सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। अभियोग मृतक के पिता के द्वारा पंजीकृत कराया गया था तथा उसने गांव के ही एक आदमी को नामित करते हुए कुछ अन्य व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा लिखाया था। पुलिस के लिए ये शुरू से ही एक मिस्ट्री बनी हुई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो मृतक के फादर हैं वो बता नहीं पा रहे थे। वो वर्तमान में उस गांव के प्रधान भी हैं। जब पुलिस द्वारा इसमें गहनता से जांच की गई तो करीब इसके जो आरोपी बनाया गया था उसके परिजनों से बातचीत की गई, उसके रिश्तेदारों से बातचीत की गई, लेकिन जो नामित अपराधी था उसके द्वारा लगभग 48 घंटे तक किसी से कोई संपर्क नहीं किया गया, क्योंकि पुलिस इसमें लगी हुई थी। तो उसकी एक ये जानकारी मिली कि उसके द्वारा अपने खाते से पैसा निकाला गया है। पुलिस के द्वारा जब उस सूचना को डेवलप किया गया तो जानकारी हुई कि सूरत में पैसा निकाला गया है। वहाँ पर इसकी रिश्तेदारियों की जानकारी की गई और एक टीम वहाँ भेजी गई। इसी दौरान किसी तरह से इसके जो परिजन थे कहीं से जानकारी हुई कि ये जानकारी उस तक पहुँच गई, तो ये अपराधी वापस आ रहा था और ये इसकी जब सर्विलेंस पे ले रखा था जानकारी हुई तो ये बक्सर तक पहुंचा। जब हमारी टीम इसको अरेस्ट करने का अपना जा रही थी तो उसी समय ये जो बलिया वाली रोड है हमारे गाजीपुर जनपद में, वहाँ पे इसे घेर के पकड़ा गया। पूरी घटना का इससे जानकारी की गई तो ये इस घटना में अकेला ही संलिप्त था। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज।